सूरज एक अय्याश किस्म का आदमी था। उसकी इन अय्याशी से परेशान होकर सूरज की माँ कविता ने सूरज की शादी एक कोमल नाम की लड़की से करवा दी थी। कोमल बहुत ही संस्कारी थी। शादी के बाद उसने अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से संभाल ली थी। शादी के कुछ दिनों बाद सूरज रात को नशे की हालत में दो लड़कियों के साथ आता है और उसको देखकर कोमल कहती है, ए जी ये क्या है, आप नशे में हो और ये दोनों लड़कियाँ कौन हैं? ये दोनों कोई भी हो, पहले तू बता कि तू कौन है बे? और मैं नशे में हूँ या होश में हूँ, उससे तुझे क्या? ए भगवान, याद भी नशे में अपनी पत्नी को भी भूल गया। तू मेरी पत्नी है ना कि मेरी माँ, जो इतने सवाल पूछे जा रही है। चल हट मेरे आगे से, आज मेरे साथ मेरी दोनों स्वीटहार्ट आई है। सूरज कोमल को धक्का देकर साइड कर देता है और दोनों लड़कियों को लेकर घर के अंदर चला जाता है और बेड पर लेटते ही गहरी नींद सो जाता है। अगले दिन सुबह कोमल अपनी सास कविता के साथ बैठकर सब्जियां काट रही थी, तभी सूरज आता है। कोमल जल्दी से मेरा बैग पैक कर दो। मैं क्या करूं? वो आपकी दो स्वीट हार्ट कहाँ गई जिसके साथ रात को घर आए थे? उनको बोल दो बैग पैक कर देंगी। स्वीट हार्ट, ये कौन है? कुछ नहीं माँ, इसका दिमाग खराब हो गया है इसलिए कुछ भी कह रही है। अच्छा, इसका मतलब कि कल मैं नशे में थी, आप नहीं, जो मेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमको मेरा बैग पैक नहीं करना है तो सीधा सीधा बोलो ना, दिमाग क्यों खराब कर रही हो? मैं वैसे भी बैंकॉक के लिए लेट हो रहा हूँ। बैंकॉक? बेटा तूने बताया क्यों नहीं कि तुझे बैंकॉक जाना है? और माँ इतना वक्त नहीं है सब कुछ बताने का, इसको छोड़ो, आप मेरा बैग पैक कर दो, एक हफ्ते के बाद आऊँगा। हाँ हाँ, बैंकॉक में भी कोई स्वीट हार्ट होगी, तभी तो अचानक से प्लान बन गया, वरना घर के लोगों को पता नहीं चल जाता। सूरज कोमल की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसकी बातों को अनसुना करके तैयार होने चला जाता है और कुछ देर बाद बैंकॉक के लिए निकल जाता है। वक्त गुजरता है और एक हफ्ते बाद सूरज अपने घर आता है, लेकिन सूरज अपने साथ एक लड़की को लाता है। सूरज को एक लड़की के साथ देखकर कोमल कहती है, आए आए, मैं तो बर्बाद हो गई। पहले तो इस आदमी ने बस नशे की हालत में लड़कियां लेकर आता था और आज तो पूरे होश के साथ बैंकॉक से मेरी सौतन ले आया। तुमको हमेशा ड्रामा करना जरूरी है क्या? बिना बात के राई का पहाड़ बना देती हो। कोमल सूरज पर चिल्लाने लगती है। कोमल की आवाज़ सुनकर कविता अपने कमरे से बाहर आती है और कहती है, बहू तुझे दौरे पड़ते हैं क्या? कभी भी चिल्लाना शुरू कर देती है। कुछ दिन पहले मेरे बेटे पर चिल्ला रही थी, जिसकी वजह से अभी तक नहीं आया वो। आप थोड़ा बाहर आइए और अपनी बैंकॉक से लाई इस नई बहू का स्वागत कीजिए। क्या मेरी नई बहू आई है क्या? चल हट, जरा देखने तो दे कैसी है। कविता कोमल को साइड हटा देती है और सूरज के साथ आई हुई लड़की को देखती है और सूरज को कहती है, आई कितनी सोनी है, बेटा इसका नाम क्या है? तू सच में इसको बैंकॉक से लाया है क्या? माँ इसका नाम एमिली है और मैं इसको बैंकॉक से लेके आया हूँ, सुंदर है ना ये? देखो तो माँ बेटे का प्यार, माँ जी आपका बेटा मेरे लिए बैंकॉक से स्वतंत्र लाया है और आप इनको बोलने की जगह इस बैंकॉकिया लड़की को सोनी कह रही है। मैं ही घर छोड़कर चली जाती हूँ। कोमल इतना बोलकर गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोने लगती है। कोमल के पीछे पीछे कविता भी आती है और उसे समझाती है, अरे बहू तू रो क्यों रही है, ये तेरी सौतन है और तुझे ही इसको घर से और सूरज की जिंदगी से निकालना होगा, तो पहले ही हार क्यों मान रही है तू? हाँ माँ जी आप सही कह रही हो, आप देखना मैं इस इमली की चटनी कैसे बनाती हूँ, इसे घर से ना निकाला ना तो मेरा नाम भी कोमल नहीं। हाँ नहीं तो जे हुई ना बात, चल उस लड़की से बात करते हैं, सूरज अभी कहीं बाहर गया हुआ है। कोमल और कविता दोनों इमली के कमरे में जा ही रहे थे कि तभी उनको इमली की कॉल पर बात करते हुए आवाज आती है और दोनों बाहर खड़ी होकर इमली की बातें सुन रही होती हैं। इमली कॉल पर बात करते हुए बोलती है, ये तो बहुत बड़ा घर है, सूरज के घर से तो आराम से पैसे ले सकते हैं हम। हमने पहले से ही सूरज को फंसा दिया है और अब इसके पास या तो मेरे साथ रहना पड़ेगा या तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। सूरज इस घर में अकेला नहीं रहता है, बल्कि उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी माँ रहती है। अच्छा अब मैं फोन रखती हूँ,
अगर हमारी बात किसी ने सुन ली तो दिक्कत आ जाएगी। इमली कॉल काट देती है और अपना सारा सामान चेक करने लगती है। इमली की बात दोनों सास बहू सुन रही थी और कोमल कहती है, देख रही हो माँ जी कितनी चालाक औरत है, ये तो मेरी सौतन बनकर मेरे घर आ गई है और अब मेरे बच्चों के हक का पैसा भी खाना चाहती है। बच्चे? तेरे बच्चे कब हो गए? कहीं बाहर छुपा कर रखा है क्या? अरे माँ जी, मेरे और उनके होने वाले बच्चों की बात कर रही हूँ। अगर ये सारा पैसा अभी ले जाएगी ना तो मेरे बच्चे तो भूखे ही मरेंगे ना। कोमल और कविता बातें कर ही रहे थे कि तभी कविता की पड़ोसन की आवाज आती है। कविता कहाँ है तू? मैंने सुना है तेरे घर में कोई बैंकॉक से आई है। अरे ये कहाँ से आ गई? किसी को कुछ पता चले न चले, लेकिन इसको पता नहीं कहाँ से पता चलता है। कविता विमला के पास जाती है। हाँ बोल, क्यों गला फाड़ रही है? क्या हो गया तुझे? किसने कहा कि मेरे घर में बैंकॉक से लड़की आई है? कोई कहेगा क्यों, मैंने तो अपने आँखों से देखा है। वो कोई आधे कपड़ों में थी और गोरी इतनी थी कि जैसे दूध से निकल कर आई हो। मुझे तो लगता है कि तेरी बहू की सौतन लाया है तेरा बेटा। कुछ भी बकवास करती जा रही है, तुझे पता भी है कुछ कि क्या बोल रही है? चल मेरे घर से, अभी तू जा, बाद में ही आइयो, ठीक है? कविता विमला को अपने घर से निकाल देती है और कविता और कोमल इमली को परेशान करने की तरकीब सोचने लगते हैं। दिन निकलता जाता है और वो दोनों आए दिन कोमल को परेशान करने की सोचते रहते हैं। ऐसे ही एक दिन सूरज अपने ऑफिस चला जाता है और इमली अपने कमरे में फिर से किसी से बातें कर रही थी। कविता और कोमल दोनों उसके कमरे में अचानक घुस जाते हैं और कोमल कहती है, अरे ओ चुड़ैल, तू रोज रोज किससे बातें करती रहती है फोन पर? तुम दोनों को तमीज नहीं है कि किसी की बातें ऐसे छुप कर नहीं सुनना चाहिए। और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूं, तुम दोनों को उससे क्या? अच्छा, तू हमारे घर में हमें ही तमीज सिखाएगी? मुझे पता है कि तू यहाँ ना सूरज के सारे पैसे ऐठने आई है और मैं तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी। मैं तुझे अपने होने वाले बच्चों का ना फ्यूचर खराब नहीं करने दूंगी। बहू अभी जो नहीं है उनके बारे में क्या बात करनी है, पहले अपना फ्यूचर देख ले, फिर बच्चों का भी ठीक हो जाएगा। तुम फालतू में बकवास कर रही हो। मैं सूरज से बहुत प्यार करती हूँ और उसके साथ में उसके घर में ही रहूंगी, समझी? अच्छा, अरे पति के साथ रहेगी, मेरे ही घर में मेरी सौतन बनकर। तूने मेरे पति को नशा दिया है, तभी तो वो तुझे लेकर आया है। जल्दी बता तुझे क्या चाहिए। अरे वाह कोमल डार्लिंग, तुमने तो सब सुन लिया है। तो चलो ठीक है, मैं तुझे सब बता देती हूँ। तेरे पति को हमने बहुत सारा दारू पिलाया, वो नशे में मेरे साथ था। अगली सुबह तेरे पति को होश आया तो डर गया और मुझे यहाँ इंडिया ले आया, और अब मैं इस घर की बहू तेरी सौतन हूँ, समझी? और सूरज के सारे पैसे की मैं मालकिन हूँ। तुम दोनों को तो मैं इस घर से निकाल दूंगी जैसे दूध से मक्खी को निकाल देते हैं। कोमल और कविता को इमली की बातों से बहुत गुस्सा आता है और दोनों एक एक डंडा लेती हैं और इमली को मारने लगती हैं और दोनों उसे घर से भगा देती हैं। इतनी मार खाने के बाद इमली सूरज के घर की तरफ देखती तक नहीं और जाते जाते कोमल कहती है, बड़ी आई मुझे मेरे घर से निकालने वाली, ये भूल गई थी कि हूँ इस घर की मालकिन मैं, और एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति को किसी बैंकॉक से लाई सौतन के साथ जाने देती क्या? नूपुर अपने दोस्त अरमान और चेतना के साथ कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी। अरमान अपने फोन में यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था, तभी एक सॉन्ग प्ले होता है और अरमान उसे गाता है। लाइफ इज गुड व्हेन आई टॉक टू माय सेल्फ डेली, रात में जहन में सवाल 36 घूमे तेरी याद में, गेनिंग ऑल दिस मनी एंड आई एम गेटिंग ऑल दिस फेम, मुझे डर लगता रहता है कहीं भूल ना जाओ औकात में। अरमान को ये गाना गाता देखकर नूपुर उसे मारते हुए कहती है, ओए क्या गा रहा है ये? गाना गा रहा हूँ, आजकल बहुत चल रहा है। हाँ नूपुर, तूने ये गाना नहीं सुना क्या? आजकल तो हर इंस्टा रील यूट्यूब स्टेटस पर यही गाना है। अच्छा ऐसा है क्या? पता नहीं, मैंने तो सुना नहीं। कुछ दिन से काम में बहुत बिजी हूँ ना, फोन चलाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। अरे कोई बात नहीं, तू रुक मैं तुझे लिंक शेयर करता हूँ गाने का, फिर तू सुन के देखना, बड़ा रॉकिंग है। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी के लिए चले यहाँ से, घर भी जाना है। नूपुर की बात सुनकर अरमान और चेतना अपना बैग उठाते हैं और सभी अपने अपने घर आ जाते हैं।
रात के समय जब नूपुर अपनी बहन किरण और माँ सुनीता के साथ बैठकर डिनर कर रही थी, तभी सुनीता किरण से कहती है, बेटा और रोटी लेनी है? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तो क्या पड़ोसियों से पूछे? अरे दीदी ये गाना है, बड़ा मस्त है, आपने सुना नहीं क्या? और हाँ माँ मुझे एक रोटी चाहिए। हाँ हाँ अभी खाना खा लो। खाना खाने के बाद नूपुर अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसके दिमाग में अरमान और किरण के गाए हुए गाने के बोल घूमने लगते हैं, जिसके बाद वो साइड में रखा हुआ अपना फोन उठाकर व्हाट्सएप पर अरमान ने उसे जो लिंक सेंड किया था उसे यूट्यूब पर प्ले करती है और मुझे नहीं पता है गाना सुनती है। पूरा गाना सुनने के बाद वो खुद से कहती है, वाह यार गाना तो बहुत मस्त है, सही गाया है। अब समझ आ रहा है कि सबकी जुबान पर यही गाना क्यों आ रहा है, मस्त है। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। लूप में चला देती हूँ गाना और हेडफोन लगा के सुन लेती हूँ। नूपुर जल्दी से अपना हेडफोन लगा लेती है और रिपीट मोड पर मुझे नहीं पता गाना सुनती रहती है। नूपुर को ये गाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो हर वक्त बस इसे ही गाती रहती थी। ऐसे ही एक दिन नूपुर अपने कमरे में बैठी जोर जोर से ये गाना गा रही थी। लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूं सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा, जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा, मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तभी वहाँ हाथों में झाड़ू लिए सुनीता आती है और नूपुर के कमरे की हालत को देख कर कहती है, ये क्या है नूपुर, हद हो गई है, इतना गंदा कमरा किया हुआ है, इसे साफ क्यों नहीं किया? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। तू कर क्या रही थी ये बता। बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने ही नहीं दे रहा, 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं मेरा। बकवास बंद कर और कमरा साफ कर, समझी? मुझसे मत कहो ना, मुझे नहीं करना है। रुक जा, तेरे गाने का भूत मैं उतारती हूँ। करेगी कमरा साफ या नहीं बता मुझे। अरे माँ कर रही हूँ और क्या करूँ, ये गाना मेरी जुबान पर ऐसा चढ़ा है कि कुछ भी बोलो तो ये गाना जुबान पर आ जाता है। अब अगर गाना गा के जवाब दिया ना तो ये झाड़ू तेरे बम पर आएगी, समझ गई? सफाई कर कमरे की। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है और नूपुर आराम से अपना गाना सुनते सुनते अपना कमरा साफ करने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है पर नूपुर की जुबान से वो गाना नहीं उतरता। ऐसे ही एक दिन अरमान नूपुर के पास आकर उससे कहता है, नूपुर कैसी हो यार? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। ओ मेरी छोटी एली मार्क। यार सच में बंदा दिल में घर बनाकर बैठ गया है, ऐसा गाना जुबा पर रचा है कि कोई कुछ कहे कुछ भी पूछे शब्द इसी के आ जाते हैं। ये बात तो ठीक है, गाना बहुत मस्त है। पता है गाने का असली टाइटल तो कोल्ड आर्स है, पर फेमस मुझे नहीं पता है से हो गया, गाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा होगा। हाँ यार 2 महीने पहले जब सॉन्ग आया था अलीमर तब इतना नहीं चल पाया, पर अब देख लाइव परफॉर्मेंस के बाद कितना चल रहा है। पाकिस्तानी रैपर है पर बड़ा धमाल है। ऐसे ही दोनों दोस्त बातचीत करते हुए घर आ जाते हैं। कुछ दिनों बाद सुनीता एक लड़की की फोटो लेकर नूपुर के पास आती है और उसे फोटो को दिखा कर कहती है, नूपुर इस लड़के की फोटो देख, मुझे तो बड़ा पसंद है तेरे लिए, एक बार तू भी देख ले कैसा है कैसा नहीं है। मुझसे मत पूछो ना, मुझे नहीं पता है। नूपुर तू फिर से शुरू हो गई? अरे माँ मुझसे सच में मत पूछो, आपने जो पसंद किया है अच्छा ही होगा, मुझे कोई फोटो नहीं देखना। पर एक बार देख तो ले लड़का कैसा है। माँ कहा ना मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना, आप पक्का कर दो रिश्ता, मेरी साइड से हाँ है। नूपुर बिना लड़के की फोटो देखे ही हाँ कर देती है और कुछ दिनों बाद लड़का अपनी माँ महिमा के साथ नूपुर को देखने आता है। लड़के को देखकर नूपुर की आंखें चटक जाती हैं क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड अरमान था। तभी नूपुर कहती है, अरमान तू मतलब तुम यहाँ कैसे? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। नूपुर बेटा तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ माँ जानती हूँ ना, अरमान मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता है और हम दोनों ही अली मार्क के फैन हैं। ये तो अच्छी बात है। पर माँ आपको यही मिला था मेरी अनदेखी हाँ के लिए, क्यों? मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। मैंने तुमसे पूछा था तुमने हाँ कहा था, तुम्हारे हाँ कहने पर ही इनको बुलाया है ना।
अरे यार ये क्या हो गया, गाने के चक्कर में मेरा दोस्त मेरा दूल्हा बनकर घर आ गया है। अब अगर ना कह दिया तो उसे बहुत बुरा लगेगा, और वैसे भी मैं और अरमान एक दूसरे को जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे उसके साथ रहने में। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गई? नहीं माँ कुछ भी नहीं। ठीक है फिर तुम दोनों अकेले में बात कर लो, तब तक मैं भी अपने होने वाले संदन से बात कर लूं। जाओ बेटा नूपुर के साथ जाओ। अपनी माँ के कहने पर अरमान को अपने कमरे में वो लेकर जाती है, जिसके बाद अरमान कहता है, वैसे नूपुर ये बात मैं बहुत पहले ही तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर कहीं तुम दोस्ती भी खत्म ना कर दो, इस वजह से मैं कभी कह नहीं पाया। पर जब माँ ने तुम्हारी फोटो दिखाकर कहा कि लड़की की हाँ है तो मैं फूले नहीं समाया। मैंने तो तुम्हारी फोटो देखी ही नहीं थी, मैंने तो यूं ही हाँ कर दिया था क्योंकि मेरी माँ को तुम बहुत अच्छे लगे थे। यानी कि तुम मुझे पसंद नहीं करती? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम मुझे अच्छे लगते हो पर प्यार वाला नजरिया नहीं था मेरा। पर हाँ मुझे इतना पता है कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। वैसे पता है एली मार्क का लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है हमारे फेवरेट सॉन्ग का, और मैंने हम दोनों के लिए टिकट भी ले ली है। सच में तुम बहुत बहुत अच्छे हो अरमान, सच में मुझे कोई अफसोस ही नहीं है कि मैंने बिना देखे तुम्हें हाँ कर दी। मुझे नहीं पता है, मुझसे मत पूछो ना। इतना कहकर नूपुर झट से अरमान के गले लग जाती है। वहीं दोनों के घर वाले आपस में बात करके रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके बाद कुछ ही दिनों में अरमान और नूपुर की शादी हो जाती है और दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, और एक साथ मिलकर अली मार्क के गाने की लाइव परफॉर्मेंस देखने के लिए जाते हैं।